गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशा गौतम, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज मदर टेल अस अ स्टोरी. सो बिफोर वी बिगिन, देयर इज एन एक्टिविटी. एज सून यू कैन सी, देयर आर सिक्स इमेजेस गिवन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम चिल्ड्रन स्टोरीज, एंड यू हैव टू चूज विच कैरेक्टर it is from the blue box given above, right? Okay, now moving to the chapter. We all love listening to stories from by our mother, grandmother, right? But did you ever imagine who invented stories? From where did all these stories come? So let's find out. Mother tells us a story. Mother, हमें कहानी सुनाओ. Manger's children said when they sat around the fire at night. Manger's के children ने Manger's को बोला, मम्मी हमें कहानी सुनाओ जब वह फायर के पास बैठे थे रात में. Manger couldn't think of a story. Manger कभी कोई story सोच ही सकती थी. However had she thought, वो कैसे सोचती है? No one else in the village knew stories. क्योंकि गांव में कोई भी स्टोरी नहीं जानता था. द विलेज वेयर दीज स्टोरी सीकिंग चिल्ड्रन लिव्ड वॉज इन चुलूलैंड इन अफ्रीका. जो बच्चे स्टोरी सुनना चाहते थे वो बच्चे कहाँ रहते थे? चुलूलैंड. और चुलूलैंड कहाँ है? अफ्रीका में. पीपल हंटेड फॉर मीट और टिल्ड द लैंड इन द विलेज. पीपल वहाँ पे हंटेड करते थे मीट के लिए. और टिल द एंड लैंड मीन्स प्रिपेयर द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स. लैंड को प्रिपेयर करना, खोदना, जोतना उसको, ताकि वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करें आपके ईट के लिए. समटाइम्स दे फिश्ड और कॉट क्रैब्स. कभी कभार वो फिश पकड़ते थे और केकड़ा पकड़ते थे. द विलेजर्स हु वर क्लेवर विद देयर हैंड्स वोव बास्केट एंड मेड वुवन कार्विंग्स. जो विलेजर्स थे वो हाथ के बहुत होशियार थे नक्काशी करने में, तराशने में. उनको वो बास्केट बनाते थे और लकड़ियों में बहुत डिज़ाइन करना उनको तराशना आता था. द क्लेवरेस्ट ऑफ देम वाज जनरल मेंजर्स हस्बैंड. उन सब में बुद्धिमान था जनरल मेंजर्स का हस्बैंड. ही कार्व बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स. उन्हें इन सब को तराशा. हाउवर ही नो स्टोरीज. हाउवर लेकिन तब भी वह कोई स्टोरी नहीं जानता था. वन डे जेंजेल टोल मेंजा, गो लुक फॉर स्टोरीज. जाओ और स्टोरीज को देखो, ढूंढो. आई विल लुक आफ्टर अवर होम एंड चिल्ड्रन. मैं अपने घर को और बच्चों को देख लूँगा, तुम जाओ और स्टोरी को खोजो. मेंजा थॉट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया. मेंजा ने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि जाके मैं स्टोरी ढूंढूँ. शी पैक्ड सम फूड एंड किस्ड हर चिल्ड्रन. उसने थोड़ा सा खाना पैक किया और अपने चिल्ड्रन को किस किया. विथ हर बास्केट ऑन हर हेड एंड द कलरफुल बीड्स ऑन हर ड्रेस स्विंग. उसने अपने सर पे एक टोकरी रखी और अपने कपड़े पहने हुए थे जो बहुत से कलरफुल बीड्स से बने हुए थे, सिले हुए थे. मेंजा सेट आउट टू लुक फॉर स्टोरी. मेंजा स्टोरी ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी. अ हेयर लुक्ड एट हर क्यूरियसली. हेयर मीन्स रैबिट. एक रैबिट उसको देख रहा था बहुत क्यूरियसली, उत्सुक होके. मेंजा न्यू दैट द हेयर वॉज ए ट्रिकी फेलो, बट शी डिसाइडेड टू आस्क हिम इफ़ ही न्यू एनी स्टोरी. मेंजा जानती थी जो रैबिट बहुत है वो बहुत चलाक है, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछना चाहा कि मैं पूछूं क्या पता उसको इसकी स्टोरी पता हो. यू नेवर नो हु कैन बी ऑफ हेल्प. तुम नहीं जानते कब तुम्हारी कोई हेल्प कर दे. ओ क्लेवर हेयर शी सेड इन अ फ्लैटरिंग टोन. ओ बुद्धिमान रैबिट, क्या उसकी चापलूसी वाली टोन में बोला. डू यू नो एनी स्टोरी, क्या तुम कोई स्टोरी जानते हो. माई चिल्ड्रन वॉन्ट टू हेयर स्टोरी एवरी इवनिंग. मेरे बच्चे रोज शाम में एक कहानी सुनना चाहते हैं. स्टोरीज द हेयर सेड, कहानियाँ, रैबिट ने कहा. आई नो मिलियंस, मैं तो बहुत सारी जानता हूँ.
बट आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, लेकिन मेरे पास इससे भी ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट काम है करने के लिए. सो सेइंग ही बाउंडेड ऑफ, बाउंडेड ऑफ मीन्स रन ऑफ विद लीपिंग स्ट्राइड्स, वो ये कह के उछलता कूदता वहाँ से चला गया. मैनेजर न्यू ही वॉज लाइंग, मैनेजर जानती थी कि वो झूठ बोल रहा था. ही हैड नो स्टोरी, उसके पास कोई कहानी नहीं थी. ही वॉज अ रियल ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर मीन्स समवन हु प्लेज ट्रिक्स ऑन पीपल, वो ट्रिक्स्टर था, चालबाज था. देन मैनेजर मेट फैन द बेबून, बेबून मीन्स गैबन मीन्स लंगूर. मैनेजर मेट फैन ए द बेबून, बेबून मीन्स गिबन लंगूर. मैनेजर इसके बाद एक फैने से मिलती है, बबून से मिलती है. शी वॉज प्लेइंग विद हर बेबीज, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी. फैने शी कॉल्ड, डू यू टेल योर किड्स स्टोरी, फैने क्या तुम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती हो. वॉट आर स्टोरी, आज फैने स्टोरी क्या होती है, फैने ने कहा. आई एम बिजी कीपिंग माई बेबीज फैड एंड वार्म, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने और उनको गर्म रखने में बिजी हूँ. आई हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, मेरे पास टाइम नहीं है कुछ और करने के लिए. साइंग मैनेजर वेंट ऑन, साइंग मीन्स एक लंबी सांस लेते हुए मैनेजर वहाँ से आगे बढ़ गई. शी सॉ एन आउल इन अ वाइल्ड फिग ट्री, फिग मीन्स अंजीर. उसने आगे जाके एक अंजीर के बड़े से पेड़ पे एक आउल को बैठे हुए देखा. ओ आउल शी कॉल्ड, डू यू हैव एनी स्टोरीज फॉर मी टू टेक होम. ओ आउल, तुम्हारे पास कोई स्टोरी है जिसे मैं ले जाके घर जा सकूँ. द आउल वॉज अपसेट बिकॉज हर स्लीप हैड बीन डिस्टर्ब, जो आउल था वो दुखी हो गई थी क्योंकि उसकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो गई थी. यू वॉक मी अप फॉर स्टोरीज, तुमने मुझे कहानियों के लिए उठाया है. शी हूटेड, उसने गुस्से में कहा ये. हुमन्स कांट लिव इन अ पीस एंड आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, हुमन्स कभी आराम से शांति से रह सकते और वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं. शी ग्रम्बल्ड एज शी सेटल्ड डाउन एंड बिगेन टू नोड ऑफ अगेन. ग्रम्बल मीन्स वो बड़बड़ाते हुए दोबारा सोने के लिए चली गई, नोड ऑफ माने अगेन सोने के लिए. मैनेजर वॉकड ऑन सैडली, मैनेजर दुखी होकर आगे बढ़ गई. शी सॉ एन एलिफेंट ईयर फ्लैपिंग एज ही एट बनानाज, उसने आगे जाके एक ईयर को देखा, एक एलिफेंट को देखा जो अपने ईयर हिला रहा था, फ्लैपिंग कर रहा था और बनाना खा रहा था. काइंड एलिफेंट शी सैड, डू यू नो एनी स्टोरीज, काइंड एलिफेंट क्या तुम कोई स्टोरी जानते हो. माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर सम टेल, मेरे बच्चे भूखे हैं कहानी सुनने के लिए. वेयर कैन आई लुक फॉर देम, मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ स्टोरीज. द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर, आई डोंट नो एनी स्टोरीज ही सैड. एलिफेंट ने सॉरी फील करते हुए कहा, मैं कोई स्टोरी नहीं जानता. बट द किंग ऑफ बर्ड्स द ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई एंड सीज मैनी थिंग्स अदर्स डू नॉट, लेकिन जो बर्ड्स का राजा है ईगल, वो इतना स्काई में ऊपर उड़ता है कि वो वहाँ से सब कुछ देख सकता है जो कि दूसरे लोग नहीं देख सकते. दैट इज़ अ गुड आइडिया, मैनेजर एक्सक्लेम्ड. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैनेजर ने कहा. थैंक यू. मैनेजर सॉ द ग्रेट फिश ईगल नियर द माउथ ऑफ द टुजरा रिवर, एक मैनेजर ने एक ईगल को देखा, उसके माउथ में फिश थी रिवर के पास. टुजरा रिवर, टुजरा रिवर कहाँ है, एक साउथ अफ्रीका में. स्वीपिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, स्वीपिंग डाउन मीन्स डाउन सडनली, स्काई से नीचे आते हुए देखा. टैलन आउट स्ट्रेच अ ग्रैब अ फिश, टैलेंस मीन्स शार्प क्लॉज, उसके पंजे थे शार्प, उनमें उसने एक फिश को पकड़ा हुआ था. ओ ग्रेट ईगल शी कॉल्ड, उसने बोला. स्टार्टल्ड द ईगल ड्रॉप द फिश ही हैड पिकर अप, स्टार्टल्ड मीन्स स्केयर. जैसे ही मैनेजर ने ईगल को आवाज़ लगाई ओ ग्रेट ईगल, ईगल एकदम से स्केयर हुआ और उसके माउथ से फिश नीचे छूट गई. ही लैंडेड ऑन द शोर नियर मैनेजर, वो मैनेजर के पास उड़ता हुआ किनारे पर आया. वट डू यू वॉन्ट ही आस्क, तुम क्या चाहती हो, उसने पूछा. ओ ग्रेट एंड वॉइस ईगल, मैनेजर सेड फ्लैटरिंगली, मैनेजर ने चापलूसी करते हुए कहा. ओ बुद्धिमान ओ ग्रेट ईगल, फॉर द ईगल वॉज अ वेन बर्ड, वेन मीन्स प्राउड ऑफ वन सेल्फ,
माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर स्टोरीज बट वी हैव नन. मेरे बच्चे भूखे हैं स्टोरीज के लिए लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है उन्हें सुनाने के. डू यू नो ऑफ एनी दैट आई कैन टेक बैक टू दैम. क्या तुम कोई एक स्टोरी जानते हो जो मैं वापस घर लेके जा सकूँ. वेल द ईगल सेड फीलिंग इम्पॉर्टेंट. आई एम वाइज बट आई ओनली नो ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ. ईगल ने अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करते हुए कहा मैं बुद्धिमान हूँ लेकिन मैं वही चीज़ें जानता हूँ जो अर्थ पे होती है. देर इज़ अ वन हु नोज द सीक्रेट ऑफ द डीप डार्क ओशन. लेकिन यहाँ पे कोई है जो ओशन के डार्क ओशन के सीक्रेट्स को जानता है. Perhaps he could help you. शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है. I will try and call him for you. मैं ट्राई करता हूँ उसे बुलाने के लिए कि तुम्हारी वो हेल्प कर सके. Stay here and wait for me. यहाँ रुको और मेरी वेट करना. So Manger waited for the fish eagle to return. Manger वहाँ खड़े होके फिश ईगल का वेट करती है वापस आने का. Here I am, the eagle called. मैं यहाँ हूँ ईगल ने बुलाते हुए कहा. I have brought my friend the big sea turtle. मैं अपने फ्रेंड को लाया हूँ साथ जो कि कौन है एक बिग सी टर्टल है. He has agreed to take you to a place where you can find stories. वो एग्री हो गया है तुम्हें एक प्लेस पे ले जाने के लिए जहाँ से तुम स्टोरीज को ढूंढ सकती हो. The great sea turtle lifted himself out of the ocean and said in a deep voice. जो great sea turtle होता है थोड़ा सा ऊपर आता है ocean के और deep voice में कहता है climb on my back and hold on to my shell. मेरी back पे बैठो और मेरी shell को पकड़ लो. I will carry you to land of the spirit people. मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर बैठा के ले जाऊँगा spirit people. Spirit means सोल आत्मा जहाँ पे लैंड पे रहते हैं वहाँ पे स्पिरिट पीपल रहते हैं जहाँ पे मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगा. मैंजर टुक होल्ड ऑफ हिज शेल एंड दे वेंट इनटू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन. मैंजर उसकी बैक को होल्ड करती है पकड़ती है और ओशन के अंदर डेप्थ में नीचे जाती जाती है. मैंजर्स आई ग्रू राउंडर एंड राउंडर एज दे वेंट डीप इनटू द ओशन. मैंजर की आंखें चारों तरफ घूमने लगती है और देखने लगती है जब वो डीप में ओशन में जाती है. Everything was amazing and beautiful and unlike anything on earth. यहाँ सब कुछ कितना beautiful है amazing है अर्थ से भी अलग है यहाँ पे सब कुछ. Finally they came to the bottom of the ocean, the dwelling of the spirit people. Finally वो ocean के सबसे नीचे पहुँच जाती है जहाँ की जहाँ पे spirit people रहते हैं. The king and a queen sat on magnificent thrones and their faces shone with such a light that Manger was a little shy and afraid. वहाँ पे राजा रानी एक बहुत शानदार सिंहासन बैठे होते हैं और इनका फेस इतना शाइन कर रहा होता है लाइट कर रहा होता है कि Manger देख के थोड़ा सा डर जाती है. She bowed before them. Bowed means bend. वो थोड़ा झुकती है उनके सामने. What do you want, woman? From the dry lands, they ask kindly. Woman, तुम dry lands से आई हो तुम क्या चाहती हो उन्होंने से पूछा kindly. Do you have stories that I could take home? क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी है जो मैं अपने घर ले जाके जा सकती हूँ. Manger asked shyly. Manger ने shyly पूछा. We have many stories. हमारे पास तो बहुत सारी stories हैं. They said, उन्होंने कहा. But what will you give us in exchange, Manger? लेकिन तुम इसके बदले में हमें क्या दोगी. What would you like, Manger? आपको क्या पसंद है, Manger ने पूछा. We would like a picture of your home and your people. हमें तुम्हारे घर की और तुम्हारे people की एक picture चाहिए. It would be nice to see that the place because we can't go there. हम वह place देख के खुश होंगे क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं. Can you bring us a picture, Manger? क्या तुम हमारे लिए एक picture ला सकती हो, Manger? I can do that, she said. हाँ मैं ये कर सकती हूँ. My husband carves beautiful pictures. मेरे husband बहुत ही beautiful pictures बनाते हैं तराशते हैं. He will carve a lovely one for you. वो एक अच्छे से picture आपके लिए बना देंगे. Manger climbed onto the turtle shell and he took her back to the shore. Manger turtle की back पे बैठ गई और वापस अपने किनारे पे आ गई river के.
शी थैंक हिम एंड आस्क हिम टू रिटर्न एट द नेक्स्ट फुल मून टू कलेक्ट हर एंड द पिक्चर. उसने कहा कि मैं यहाँ पे जब फुल मून होगा नेक्स्ट टाइम तब आऊँगी, तुम यहाँ पे मेरा वेट करना, तब मैं पिक्चर लेकर आऊँगी अपने साथ में. देन मैनेजर वेंट होम एंड गॉट जेंजल टू क्रेव हर अ ब्यूटिफुल पिक्चर विच शोड द फॉरेस्ट एंड द रिवर एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन द अर्थ. वो वापस अपने घर जाती है, जेंजल से कहती है कि बहुत सी पिक्चर बनाओ जिसमें सब कुछ दिखे, हमारा फॉरेस्ट दिखे, रिवर दिखे, एनिमल्स, बर्ड्स और अर्थ दिखाई दें उस पिक्चर में. द पिक्चर ऑल्सो हैड द विलेज एंड ऑल द पीपल इन इट. पिक्चर में हमारा पूरा विलेज होना चाहिए और उसके अंदर पीपल भी होना चाहिए. When Zenzel finished it, he wrapped it in a piece of cloth and tied it to Manja's back. जब Zenzel ने उस पिक्चर को कंप्लीट कर दिया, उसको रैप किया एक कपड़े से और उसको Manja की बैक पे टाइटली बांध दिया. Manja climbed onto the turtle's back and they went to the land of the spirit people. Manja टर्टल की बैक पे बैठ गए और वापस वहाँ पे लैंड चली गई जहाँ पे लैंड में स्प्रिट पीपल रहते थे. द किंग एंड द क्वीन ऑफ द स्प्रिट पीपल वर हैप्पी विद द पिक्चर. किंग और क्वीन वो पिक्चर को लेकर बहुत खुश हो गए देखकर. फॉर यू एंड योर पीपल दे सेड, उन्होंने कहा ये तुम्हारे तुम्हारे पीपल के लिए है. वी गिव द गिफ्ट ऑफ स्टोरीज, हम तुम्हें स्टोरीज का गिफ्ट दे रहे हैं. दे हैंडेड हर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल शेल शी हैड एवर सीन. उन्होंने बहुत बड़ा सा और एक बहुत सुंदर सा शेल उसको दिया. Hold this shell to your ear to hear a tale. इस शेल को पकड़ो और उसे अपने कान के पास ले जाओ और इसमें से कहानियाँ सुनो. Back in the village, her children clambered. Clambered means बच्चे जिद करते हैं मम्मी हमें कहानी सुनाओ. Mother tell us story. Mother हमें कहानी सुनाओ. Manja put the shell to her ear and began. Manja shell को पकड़ती है और अपने कान के पास ले जाती है और शुरू करती है. Once upon a time, एक समय की बात थी. And that is how stories came to be. इस तरह से stories बाहर आईं. Clear? So finally, Manja could tell her children as many stories as she wants, as the stories are never going to end. Thanks to Manja, we could hear thousands of new stories.